तुम रूहानी मिलिट्री की आत्माओं को, रूहानी बच्चों को बाप बगैर कौन पढ़ा सकेगा। इसलिए इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज, रूहानी ज्ञान। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि ये सिवाय एक बाप के स्पिरिचुअल फादर के कभी भी ये ज्ञान कोई भी दे नहीं सकते। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक ज्ञान। और ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया जाता है। इसलिए मुरली में ही बोल दीजिए क्या तुम बच्चे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना क्या, नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, और तुम लिख देना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लिख देना अंग्रेजी में भी स्पिरिचुअल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ऐसे लिख देना। हाँ, मुरली में भी बोल दिया। तो देखो ये ज्ञान स्पिरिचुअल फादर के सिवाय तुम बच्चों को कोई दे ही नहीं सकता। ये आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ स्पिरिचुअल फादर आकर के अधि आत्मिक, अभी माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, कितने जन्मों की कैसी कैसी नॉलेज भरी हुई है, तुम आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड हो वो बाप के सिवाय इस बात को कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। तो बाकी जो ऐसे कह करके हम जाते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए विलायत में, है ना, वो हवाई जहाज में बैठ करके जाते हैं ना विलायत में, कौन दुनिया वाले भी जाते हैं, गुरु लोग, बड़े बड़े गुरु लोग जाते हैं, महेश योगी है हवाई जहाज में घूमता ही रहता है उनका अपना हवाई जहाज, ऐसे ही शूटिंग करने वाले भी हैं कोई कि नहीं, नहीं कौन, ओ तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हाँ विदेश में जाते रहते हैं कि नहीं, हाँ विलायत में जाते रहते हैं, राजयोग सिखलाने जा रहे हैं। क्या सिखलाने जा रहे, राज भरा हुआ है, क्या राज भरा हुआ है, राजा बनने का राज भरा, कैसी राजाई करनी है, रिश्वत देते जाओ और राजाई करते जाओ, सबको रिश्वत बांटो, बड़े बड़े ऑफिसरों को रिश्वत बांटो, बड़े बड़े मीडिया वालों को रिश्वत बांटो, टीवी वालों को रिश्वत बांटो, अखबार वालों को रिश्वत बांटो, है, और ये है राजयोग, वो सबको राजयोग समझते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो राजयोग कोई गंदे धंधे करना सिखाता है, काले काम करना सिखाता है नहीं, ये तो गुप्त तो जरूर है लेकिन ये काम बहुत अच्छा है। कैसा काम है, जन्म जन्मांतर की राजाई इससे मिलती है राजयोग से, ऐसा राज भरा हुआ, क्या राज भरा हुआ है, हाँ बाप की याद में रह करके बाप को पहचान करके, प्रैक्टिकल में पहचान करके, उस बाप को याद करते हुए कर्म इंद्रियों से सारे काम करते रहो, ज्ञान इंद्रियों से सारा कार्य करते रहो, कर्म इंद्रियों में भी भ्रष्ट कर्म इंद्रियों से भी तुम सारा काम करते रहो, है? लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा अगर एक्यूरेट याद में रहेंगे, अपन को आत्मा समझ, है? बाप को पहचान करके याद में रहेंगे तो कोई भी कर्म करो कर्म तुम्हारा अकर्म बन जाएगा। तो ये हुआ राजयोग। वो कौन सा राजयोग सिखाने जाते हैं, वो राजयोग सिखाने आज जाते हैं कि राजभोग सिखाने जाते हैं, उनकी यादगार है क्या, कहां यादगार है, राजभोग की, वहां मालपुआ बनते हैं असली घी के कुएं में, लोग जाकर के जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना वो पीपों के पीपे भर भर करके गाय का असली दूध वो घी डालते रहते हैं और उससे मालपुआ बनते हैं और उन्हीं को खिलाए जाते हैं जो पैसे देते हैं, बाकी गरीबों के लिए वो तो जगन्नाथ का भंडारा, और ये किसका भंडारा, हाँ बढ़िया बढ़िया खाने वालों का, खुद खाएंगे और जो पैसे देंगे उनकी बड़ी खातिरी करेंगे, ऐसे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा भले कहते रहे मांगने से बच्चे मंगना मरना। अभी राजयोग बाप बिगर कौन सिखलाएगा ऐसा, तो देखो
इस दुनिया में तो ठगी लगी पड़ी है। क्या बाहर की दुनिया में भी ठगी लगी पड़ी है और शूटिंग करने वाले ब्राह्मणों में भी? हाँ, ठगी लगी पड़ी है। दुनिया को ठग रहे हैं कि नहीं? किनको किनको ठग रहे हैं? जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको ठग लेते हैं। क्या ठगते हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर के उनकी सभा में बोलता है क्या, अरे ऐसी दुनिया में हमने कोई संस्था नहीं देखी जिसे में दो फांटे न हुए हों। ये एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही ऐसा है जिसमें दो फांटे आज तक नहीं हुए। लड्डू तुमने पहचाना, ठग लिया ना तुमको ब्रह्मा कुमारियों ने? अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, अच्छे अच्छे से तुम्हें मान मर्तबा दे दिया, ऊंची कुर्सी पे बैठा के बस लट्टू हो गए। तो देखो कितनी ठगी लगी पड़ी है दुनिया। किसी बच्चे की रोने की आवाज हुई, चलो बच्चे, चलो ऐसे रोने वाले बच्चे को संभालो। क्या? हाँ अच्छा, मीठे मीठे सिकिल जी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।